हे एवरीवन, दिस इज़ आयशा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक रोमांटिक ड्रामा मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मैरी शैली, जो फ्रैंकस्टीन की एक नॉवल पर बेस्ड है। मूवी के स्टार्ट में हम मिलते हैं मैरी से, जो अपनी माँ की कब्र के पास बैठी एक बुक पढ़ रही थी। बट जैसे ही उसे एहसास होता है कि घर जाने के लिए उसे लेट हो रहा है, वो दौड़ी दौड़ी घर की तरफ जाती है। बट वो फ्रंट डोर से ना जा करके पीछे की खिड़की से जाती है, जहाँ उसकी बहन क्लेयर कपड़े धो रही थी। मैरी की स्टेप मॉम आती है और उसे सुनाती है कि तुम्हारे डैड दिन भर बुक शॉप पर काम करते रहते हैं और तुम बाहर घूमती रहती हो। तो मैरी कहती है वो बस कुछ देर के लिए फ्रेश एयर लेने गई थी। इतने में उसके डैड मिस्टर गॉडविन आते हैं और मैरी अपनी बुक छुपा लेती है, क्योंकि उसके डैड को ये पसंद नहीं था कि उसकी डॉटर कोई रोमांटिक नॉवल पढ़े। और टेबल पे पॉलिटिक्स की किताबें देख के उसके डैड खुश हो जाते हैं कि उनकी बेटी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती है। नेक्स्ट डे मैरी अपने बुक पे काम कर रही होती है, तभी उसकी स्टेप मॉम फिर से आती है और उसे टॉन्ट मारती है कि वो यहाँ बुक लिखेगी तो उसके डैड का बुक स्टोर कौन देखेगा। अब उसकी स्टेप मदर उससे उसकी डायरी छीनने लगती है। इसी खींचातानी में स्टेप मदर गिर जाती है और अपने हस्बैंड को कहती है कि मैरी ने उसे धक्का दिया और अब वो उसके साथ एक ही घर पे नहीं रह सकती। तो मैरी के डैड मैरी को अपने ओल्ड फ्रेंड मिस्टर बैक्सटर के पास स्कॉटलैंड भेज देते हैं। वहाँ मिस्टर बैक्सटर और उनकी बेटी इजाबेल मैरी का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। रात में दोनों को नींद नहीं आती तो दोनों एक जगह पे जाते हैं और अपनी अपनी मॉम के बारे में बातें करने लगते हैं। मैरी बताती है कि उसकी मॉम उसके पैदा होने के कुछ दिन बाद ही मर गई थी और कहीं ना कहीं वही जिम्मेदार है अपनी मॉम की डेथ का। अब नेक्स्ट डे मिस्टर बैक्सटर अपने घर पे एक पार्टी थ्रो करते हैं, जहाँ शैली भी एज अ गेस्ट आता है। मैरी और शैली एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। वहीं इजाबेल बताती है कि शैली एक पोएट है। वहाँ मैरी और शैली के बीच बातें होती है और दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट फील करते हैं। अब नेक्स्ट डे मैरी, शैली, इजाबेल सब घूमने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, जहाँ शैली मैरी से उसकी एज पूछता है। तो मैरी बताती है वो 16 ईयर्स की है और शैली बताता है वो 21 का है। और ऐसे ही बातें करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब मैरी शैली के लिखे हुए लेटर्स पढ़ रही थी, तभी वहाँ इजाबेल आती है और एक न्यूज़ बताती है कि तुम्हारी बहन क्लेयर बहुत बीमार है। तो मैरी इजाबेल को कहती है कि वो उसके तरफ से शैली को बाय कह दे और तुरंत लंदन के लिए निकल जाती है। और वहाँ जाके उसे पता चलता है कि क्लेयर ने उसे बुलाने के लिए बस बीमारी का नाटक किया था, क्योंकि उसे अपनी बहन की बहुत याद आ रही थी। अब मैरी को शैली की याद आती है तो वो उसकी लिखी हुई पोएम्स पढ़ती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब एक रात उनके घर पे एक गेस्ट आने वाले थे और वो गेस्ट कोई और नहीं शैली होता है, क्योंकि मैरी के डैड एक राइटर होते हैं। तो शैली मिस्टर गॉडविन से मिलने के बहाने से वहाँ आता है। मैरी तो शैली को उसके घर पे देख के शॉक्ड ही रह जाती है। अब खाने के टेबल पे बातों बातों में शैली मिस्टर गॉडविन से उनके बुक स्टोर पे काम करने की परमिशन मांगता है। तो थोड़ा सोचने के बाद मिस्टर गॉडविन मान जाते हैं और मैरी से कहते हैं कि मिस्टर शैली को बुक स्टोर दिखा दे। वहाँ मैरी पूछती है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। तो शैली उसे अपनी फीलिंग्स बताता है कि वो उसको कितना पसंद करता है। इतने वहाँ पे क्लेयर आ जाती है, वो भी समझ जाती है तो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब दोनों डिसाइड करते हैं कल मिलने का। तो दोनों मिलते हैं मैरी के मॉम के कब्र के पास, लेकिन थोड़ी ही देर में बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो दोनों एक चर्च में जाते हैं। वहाँ दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ किसी और के आने की आवाज़ आती है। तो दोनों छिप जाते हैं और दोनों क्लोज आ जाते हैं और किस करते हैं। अब नेक्स्ट डे शैली मैरी को एक लेटर देता है। मैरी और क्लेयर बाहर निकलकर वो लेटर रीड करने लगते हैं। तो इतने में वहाँ एक लेडी आती है जो मैरी से कहती है कि वो शैली की वाइफ है और ये उसकी बेटी, इसलिए वो शैली से दूर रहे। मैरी शॉक्ड होके वहाँ से चली जाती है। अब ये सब अंदर से मैरी की स्टेप मॉम भी देख रही थी, तो वो क्लेयर से पूछती है और क्लेयर उसे सब बता भी देती है। अब खाने के टेबल पे स्टेप मॉम सबको बता देती है कि शैली मैरिड है, बट शैली बताता है कि वो बस फॉर्मली मैरिड है, वो और उसकी वाइफ अब साथ नहीं रहते। मैरी इस बात से शैली से नाराज़ थी कि उसने उसे क्यों छुपाया उसकी शादी के बारे में। इस पर शैली उसे समझाता है कि उसकी शादी बस एक गलती थी, वो बस उससे प्यार करता है। मगर मैरी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। बट एक दिन मैरी को शैली का दिया हुआ एक लेटर मिलता है, वो पढ़ के वो खुद को रोक नहीं पाती और उसके पास चली जाती है। अब दोनों आते हैं मिस्टर गॉडविन के पास और अपने प्यार को कन्फेस करते हैं, मगर मिस्टर गॉडविन बिल्कुल राज़ी नहीं होते, उल्टा शैली को उनके घर से निकलने को कह देते हैं। शैली भी मैरी से उसे ले जाने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। मिस्टर गॉडविन मैरी को वार्निंग देते हैं कि अगर वो शैली से मिली तो उनसे उसके सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, मगर मोहब्बत में डूबे हुए लोग कहाँ किसी की सुनते हैं। आधी रात मैरी घर से भाग रही थी, तभी क्लेयर आती है और कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। जैसे मैरी किसी पिकनिक पर जा रही थी तो क्लेयर को भी जाना था। खैर,
तो दोनों बहन घर से भाग जाते हैं। शैली उन्हें एक छोटे और पुराने घर में लेके जाता है जहाँ रात में दोनों इंटीमेट होते हैं और वहाँ ऐसे ही अच्छे बुरे दिन गुजर ही जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद शैली बताता है कि वो लोग एक नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं जहाँ उनके सर्वेंट्स उनका वेट कर रहे हैं। अब वो लोग नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पार्क में टहलते वक्त मैरी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के शैली बहुत खुश हो जाता है, मगर वहीं उन्हें नज़र आती है शैली की फर्स्ट वाइफ और बेटी जो उन्हें देख के वहाँ से चली जाती है। अब रात में क्लेयर को एक नाइटमेयर आता है तो शैली उसे सुलाने जाता है और मैरी को आराम करने को कहता है। यहाँ हम देखते हैं मैरी के दिल में कहीं ना कहीं शक आ रहा है शैली और क्लेयर को लेकर के। ऐसे ही कुछ और महीने बीत जाते हैं। एक सुबह मैरी देखती है कि घर पे किसी चीज़ की तैयारी चल रही है। उसे पता चलता है कि रात में एक पार्टी होने वाली है और सारी तैयारी क्लेयर कर रही है। बट एज एक्सपेक्टेड ज़्यादा लोग नहीं आते, इनफैक्ट सिर्फ एक ही राइटर आता है, मिस्टर हॉग। खैर वो चारों ही पार्टी इंजॉय कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जब घर पर कोई नहीं होता तो मिस्टर हॉग आते हैं और मैरी के साथ गलत करने की ट्राई करते हैं, मगर मैरी उसे धक्का देके उसे वहाँ से भगा देती है। जब क्लेयर और शैली घर आते हैं तो मैरी शैली को सब बताती है, मगर हमें यहाँ शैली का कुछ अलग ही रूप देखने को मिलता है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी हॉक की हरकतों से, उल्टा वो मैरी को डांटता है कि मिस्टर हॉक से उसे एडवांस मिलने वाला था, तो क्या वो उसके लिए इतना नहीं कर सकती थी। अगर आपने मूवी यहाँ तक देख ली है और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खैर स्टोरी पर आते हैं। इस पे मैरी उसे बहुत सुनाती है और अपने कमरे में चली जाती है। फाइनली शाम को शैली को रियलाइज़ होता है तो वो मैरी से माफ़ी मांगता है और हॉक को भी यहाँ कॉल करने से मना कर देता है, तो मैरी भी उसे माफ़ कर ही देती है। अब वो सब एक बॉल पार्टी में जाते हैं जहाँ सबकी मुलाकात होती है लॉर्ड बायरन से, जो कि एक बहुत ही बड़े राइटर होते हैं। बायरन क्लेयर को पार्टी के एंड में एक लेटर भी देता है। अब कुछ दिनों बाद मैरी को एक लड़की होती है जिसका नाम वो क्लारा रखती है और वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि फाइनली उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई थी। इतने में क्लेयर आती है और कुछ बताने का ट्राई करती है, मगर उसकी खुशी देखते हुए वो बिना कुछ कहे बायरन का एड्रेस लेके उससे मिलने चली जाती है। अब एक दिन अचानक शैली घर आता है और जल्दी से वहाँ से सबको चलने को कहता है क्योंकि उस पर बहुत लोन आ गया था और वो लोग उसे ढूंढ रहे थे। मगर क्लारा की तबीयत ख़राब थी और बाहर बारिश भी हो रही थी, तो ऐसे में बाहर जाना क्लारा के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था। लेकिन फिर भी शैली की बात मान के मैरी को जाना भी पड़ता है। वो अपने पुराने घर पर लौट जाते हैं और जिसका डर था वही होता है, क्लारा नहीं बचती। और इस गम में मैरी बिस्तर पकड़ लेती है और पूरी तरीके से टूट जाती है। एक रात उसकी आँख क्लारा के ड्रीम से खुलती है तो उसे क्लेयर और किसी आदमी की आवाज़ सुनाई देती है क्लोज आते हुए। मैरी का शकअप और बढ़ गया था, मगर वो कुछ कहती हुई नहीं। अब एक दिन क्लेयर बताती है कि लॉर्ड बायरन ने उन सबको अपने घर पे इनवाइट किया है जो कि जेनीवा में था और वो प्रेग्नेंट भी है। मैरी शॉकिंगली पूछती है इसका फादर कौन है, तो क्लेयर बताती है ऑफ कोर्स लॉर्ड बायरन, मगर फिर भी मैरी जाने के लिए तैयार नहीं होती। तो शैली उसे समझाता है कि ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो जेनीवा के लिए निकल जाते हैं। वहाँ बायरन और डॉक्टर पॉलीडोरी उनका वेलकम करते हैं। रात में सब अच्छे से डिनर करते हैं और मैरी और डॉक्टर पॉलीडोरी कुछ बातें भी करते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बारिश भी कई दिनों से हो रही थी तो वो लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे, तो बायरन सबको कहता है क्यों ना वो एक बुक लिखें। और बातों बातों में क्लेयर की इंसल्ट भी कर देते हैं, तो क्लेयर कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो उसकी लवर है। तो बायरन उसको सीधा सीधा बोल देता है कि वो उसकी कोई लवर नहीं है, ना उसको वो प्यार करता है। ये सुन के क्लेयर वहाँ से रोती रोती चली जाती है। अब आधी रात गए शैली ड्रंक होके लौटता है तो उसके लिए लंदन से खबर आती है कि उसकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो चुकी है और वो ये सुन के टूट जाता है। इधर क्लेयर भी ब्रोकन बैठी थी तो मैरी जाने का डिसाइड करती है। वो वापस जाने से पहले लॉर्ड बायरन को गुड बाय बोलती है और डॉक्टर पॉलीडोरी बस उन्हें जाते हुए देखते हैं। अब वो सब वापस अपने पुराने घर लौट आते हैं। वहाँ लौट के मैरी को अपने डैड की कही बात याद आती है कि उसे बस अपनी खुद की आवाज़ सुननी है। और यहाँ मैरी अपनी आज तक की सारी कहानी लिखना शुरू करती है। वो प्यार, वो धोखा, जो कुछ भी उसे मिला, बहुत वक्त बिना किसी से बात किए वो अपनी बुक कंप्लीट कर लेती है और शैली को पढ़ने के लिए देती है। शैली उसकी बुक पढ़ के उसकी तारीफ करता है और पब्लिशर से बात करने के जाने की बात भी करता है।
मगर मैरी कहती है वो खुद पब्लिशर्स के पास जाएगी और जाती भी है, मगर कोई भी उसकी स्टोरी उसके नाम से पब्लिश करने को तैयार नहीं था। सारे पब्लिशर्स चाहते थे ये बुक मिस्टर शेली के नाम पे पब्लिश हो, मगर मैरी चाहती थी उसकी बुक उसके नाम से हो, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। अब मैरी घर आती है तो क्लेयर बताती है कि वो अब वापस घर जा रही है और वो उसके बुक के लिए उसको गुड लक भी बोलती है। अब बहुत दिन कोशिश करने के बाद मैरी को फाइनली एक पब्लिशर मिल ही जाता है, मगर उस पर नाम शेली का ही होता है। वो घर आती है और शेली को ये बात बताती है, मगर शैली को इससे मैरी के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता कि मैरी ने इतनी मेहनत की और सारा क्रेडिट शैली को जा रहा है। इस पर दोनों की बहस हो जाती है और शैली घर छोड़ के चला जाता है। अब कई हफ्ते गुजर चुके थे शैली के गए हुए। इधर मैरी की बुक बहुत फेमस हो चुकी थी और मैरी को एक नोट भी मिलता है जिस पर उसे पता चलता है कि उसकी बुक की सक्सेस पार्टी कहीं और नहीं उसके डैड की शॉप पर हो रही है। तो मैरी भी डिसाइड करती है वहाँ जाने का। वो पीछे के रास्ते से अंदर जाती है और अपने फादर को उसकी बुक की तारीफ़ करते देख बहुत खुश होती है। इतने में वहाँ पे शैली आता है और बताता है कि ये बुक उसने नहीं बल्कि मैरी गॉडविन ने लिखी है। ये सुन के मैरी खुद को रोक नहीं पाती और शैली को गले से लगा लेती है। इसके बाद हम कुछ साल बाद का सीन देख पाते हैं जहाँ मैरी अपने बेटे के साथ अपने डैड के शॉप से गुजरती है जहाँ उसकी बुक लगी हुई थी उसके नाम के साथ, और मिस्टर गॉडविन मैरी को देख के स्माइल करते हैं और यहाँ हमारी मूवी एंड हो जाती है। मुझे तो ये मूवी पर्सनली बहुत पसंद आई। अगर आपको भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।